तो मूँगफली की खुशबू गुड़ की मिठास मुबारक हो आप सभी को मेरी तरफ़ से मकर संक्रांति का त्यौहार तो आज आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ तो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चिक्की रेसिपी चिक्की हम बनाएंगे अभी घर पे आसानी से बाहर जाके खरीदने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारा कोरोना भी फैल रहा है रहा है तो इसलिए हम बाहर जाके ले नहीं सकते हैं तो हम घर में बनाएंगे वो भी झटपट से तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और क्या तो हैप्पी मकासक्रांति तो अब हम चलते हैं बनाते हैं चिक्की सो so, इसके बाद मैंने ले लिया मूंगफली अब इसको हम भून लेंगे अच्छे से इसको भून लीजिए हम हाँ, मूंगफली को अच्छी तरीके से पका लेंगे ये देख लीजिए इसके बाद हम एक मूंगफली ले लेंगे और देख लीजिए इसका कितने आसानी से छिलका निकल जा रहा है तो हमारा मूंगफली एकदम आसानी से पक गया है मूँगली को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और हमें इसका जो मूँगफली का छिलका है हमें वो एकदम अच्छी तरीके से निकाल लेना है साफ कर देना है इसके बाद देख लीजिए मैंने ले लिया एक गुड़ तो आप भी ले लीजिए गुड़ और इसके बाद इस पर डाल देंगे और इसको हमें पिघलाते जाना है तो एक पाउनी ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए और इसको अच्छे से चलाते जाइए मैंने ले लिया है एक चम्मच घी अब हम गुड़ में एक चम्मच घी डाल देंगे ताकि बहुत आसानी से हमारा गुड़ जो गुड़ है वो अच्छे से पिघल जाए आप घी की जगह पे एक आधा कप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप घी डाल दीजिए या तो आधा कप पानी तो इसको डाल दीजिए और अच्छी तरीके से चलाते जाइएगा देख लीजिए कितने अच्छा आसानी से पिघल रहा है फ्रेंड्स से देख लीजिए पिघलते पिघलते इस प्रोसेस तक आ गया है देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से पिघल रहा है बहुत ही ज़्यादा दिखने में भी अच्छा दिख रहा है आ, तो इसको ऐसे गलाते जाइए ये देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से पिघल गया है हम एक प्लेट ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऐसे चुहा देंगे अब इसके बाद इसको हमें एक बार ठंडा होने पे एक बार चेक करना है कि इसका बॉल बनता है क्या लीजिए फ्रेंड्स कितना तो छोटा सा आसानी से बॉल बन गया है तो हमारा जो गुड़ है वो प्रोसेस एकदम अच्छे तरीके से बन गया है ए मारा मेरा एकदम डार्क कलर हो गया है तो हम उसको आप ज़्यादा इसको मत जलाइएगा नहीं तो कड़वा आने लगेगा तो अब हम गैस को बंद कर देंगे डाल देंगे मूँगफली ये देख लीजिए और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे गुड़ और मूँगफली को ये देख लीजिए एकदम अच्छी तरीके से मिल गया है तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस पे सो so, इसके बाद मैंने ले लिया है चौका और चौके पर डाल देंगे तेल पूरा तेल नहीं डाला है ऐसा थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और इसको अच्छे तरीके से चौके पे तेल लगा दीजिए इसके बाद मैंने ले लिया है बेलन बेलन पे अच्छे से तेल लगा देंगे तेल लगा रहे किसी को मारने नहीं जा रहे हैं बस तेल ही लगा रहे हैं अब इसके बाद हम इसको इसी पर पलट देंगे चौके पर इसी पर निकाल दीजिए हमें क्या करना है मैं हमने बेलन पे तेल लगाया तो हमें इसको अच्छी तरीके से बेलते जाना है ये देख लीजिए इसी तरीके से चाहे तो आप किसी भी शेप में बेल सकते हैं चाहे गोला बेलिए चाहे एकदम सीधा बेलिए चाहे जैसा बेलते जाएं ये देख लीजिए इसे बेलते जाएं सो फ्रेंड्स ये देख लीजिए हमने अच्छे तरीके से इसको बेल लिया है बाद हम निशान लगाते जाएंगे इसको काटने के लिए देख लीजिए इसको निशान लगाते जाएं जाए अच्छे से काटते जाना है दूसरे साइड भी देख लीजिए ऐसे काटते जाएं आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से काट लिया है अब इसके बाद हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए के बाद देख लीजिए फ्रेंड्स एकदम अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है तब हम इसको चक्कू की मदद से इसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स ये देख लीजिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ देख लीजिए एकदम परफेक्ट चिक्की बन के हमारा तैयार हुआ एक है एकदम आसानी से टूट जा रहा है एकदम टेस्टी भी है फ्रेंड्स ये देख लीजिए ऐसे ही हमें चक्कू की मदद से इसे निकालते जाना है हमें ये देख लीजिए हमारा चिक्की एकदम आसानी से निकलते जा रहा है सो so, देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा एकदम चिक्की देख लीजिए दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है तो फटाफट से हम निकाल लेते हैं इसको सो so, फ्रेंड्स ये देख लीजिए हमारा कितने आसानी से हमारा एकदम बन के चिक्की तैयार हो गया है पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये देख लीजिए तो आप सभी को मेरी तरफ़ से हैप्पी मकर संक्रांति तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए